फ्रेंड्स, मोडबिज चैनल में आपका फिर से स्वागत है और हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं रियलमी स्मार्टफोन के दो मोबाइल फ़ोन, जो कि एक रियलमी 5 है और दूसरा रियलमी 5S है। रियलमी 5 ये लॉन्च हुआ है अगस्त 2019 में, डेट है इसकी 20 अगस्त 2019 लॉन्च होने की। ये इसको हम आपको कर रहे हैं रियलमी 5, इसकी लॉन्चिंग डेट जो है वो अगस्त 2019 की है। ये आपके सामने जो हम शो कर रहे हैं रियलमी 5S, ये लॉन्च हुआ है नवंबर 2019। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं विद इन 1 वीक से, इसलिए ये इसमें आप देख रहे होंगे इसकी रैपिंग वगैरह हटी हुई है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अभी इसको यूज़ नहीं किया है। तो अभी देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है। मेन गैजेट है रियलमी 5S का और कंपनी के साथ जो दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट्री सिलिकॉन इसका केस है, मोबाइल फ़ोन है, कुछ क्विक गाइड है, वारंटी कार्ड है, एज यूजुअल चार्जर और डाटा केबल, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं रियलमी 5S। सो फ्रेंड्स, रियलमी 5 के साथ जो है सेम चीज़ें हैं रियलमी 5 के साथ भी। ये हैं दोनों मोबाइल फ़ोन। रियलमी 5 है जो फ्रेंड, ये हमारा क्रिस्टल ब्लू कलर का है और रियलमी 5S ये हमारा क्रिस्टल पर्पल कलर का है। दोनों ही बहुत ही अच्छे शानदार कलर में हैं, देखिए देख सकते हैं आप। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो विथ हाइट और इसकी जो थिकनेस है फ्रेंड्स, ये दोनों मोबाइल के बिल्कुल डिट्टो सेम है। दोनों में कोई भी ज़रा सा भी अंतर नहीं है, दोनों की विथ हाइट और थिकनेस दोनों के सेम है। इसकी विथ जो है दोनों की 70.56 mm है, इसकी हाइट जो है वो 164.4 mm है और थिकनेस दोनों की 9.3 mm है, दोनों की थिकनेस। तो कहीं से कोई फ़र्क नहीं है कि रियलमी 5 और रियलमी 5S में कोई भी साइज़ में कोई अंतर है या वेट में कोई अंतर है। वेट दोनों का 198 ग्राम्स है। रियलमी 5S, ये इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ये 4GB रैम है इसकी और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। रियलमी 5S ये जो आपके पास हम आपको शो कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये इसकी 4GB रैम है और 128GB इंटरनल है। दोनों की रैम और दोनों की इंटरनल स्टोरेज सेम है। दोनों में ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है 9.0 पाई और दोनों ही जो यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं वो कलर का OS 6 वर्जन है। आइए, ये सारी चीज़ तो यहाँ तक रही आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की, आइए इसको अब ऑन करते हैं, दोनों एक साथ देखते हैं। दोनों ही फ्रेंड्स हमने ऑन कर रखे हैं, दोनों ही सेम टाइम पे ही स्टार्ट होंगे क्योंकि दोनों में जो प्रोसेसर है फ्रेंड्स, जो प्रोसेसर है वो दोनों में सेम दिया हुआ है। स्नैपड्रैगन का जो चिपसेट है 665 दोनों में ही यूज़ हुआ है, रियलमी 5 और रियलमी 5S दोनों में ही। दोनों की जो आपने देखा होगा स्टार्टिंग वो एक जैसी है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि कोई एक स्टार्ट पहले हुआ है या कोई
हमारे ऑन करने में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, दोनों की ब्राइटनेस फुल कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो वॉल्यूम रॉकर्स हैं वो लेफ्ट साइड दिए हुए हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, सिम ट्रे, सिम ट्रे के साथ सिम इजेक्टर पिन, सिम इजेक्टर पिन है फ्रेंड्स, ये मैंने सिम इजेक्टर पिन है, और ये देखिए दो नैनो सिम सपोर्ट कर रहे हैं और आपको एक स्लॉट अलग से दिया हुआ है माइक्रो एसडी का, दो नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का एडिशनल स्टोरेज के लिए, ये है। पावर ऑन ऑफ बटन है, बॉटम पे आप आते हैं तो स्पीकर है, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, माइक्रोफोन है और 3.5 mm जैक है। ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा, ये ईयर स्पीकर है, यही सेम चीज़ रियलमी 5 में भी है, पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, सिम इजेक्टर ट्रे, सिम ट्रे, सेल्फी कैमरा फ्रंट, ईयर स्पीकर, स्पीकर, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन एंड 3.5 mm जैक। दोनों में ही फ्रेंड्स आप अगर देखिए तो चार्जिंग के लिए यूएसबी का सी टाइप पोर्ट नहीं दिया है, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। और बात करें तो इसमें जो इसका जो ग्राफिक जो है, जो जीपीयू इसमें यूज़ हुआ है, दोनों में ही जीपीयू यूज़ हुआ है, एड्रीनो का 6.610 एड्रीनो का, और 5000 mAh की, इनमें दोनों में बैटरी 5000 mAh की है, दोनों ही सपोर्ट करते हैं क्विक चार्जिंग के लिए। दोनों की स्क्रीन साइज जो है वो 6.5 inch की है, दोनों की, रियलमी 5 की और रियलमी 5S की, दोनों की। ये हमें बता रहा है कि इसका अपडेट, आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए बाद में करेंगे। और सेंसर्स इनमें दोनों में सेम है, फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट जो है वो रियर माउंटेड है, जिसको हम कहते हैं फिंगर लॉक के लिए, यहाँ पे देखिए बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर है, रियर माउंट जो किया हुआ है पीछे बैक साइड, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर है, गैरोस्कोप है, ये सारे सेंसर्स हैं इनमें। अब इनकी दोनों की अगर आई डिस्प्ले की बात करें, दोनों ही IPS डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, वाटर ड्रॉप नॉच है, दोनों में ही वाटर ड्रॉप नॉच है, Realme 5S दोनों में ही वाटर ड्रॉप नॉच दिया हुआ है, आप देखें। और ब्लूटूथ 5.0 है, दोनों में ही ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो 5.0 यूज़ हुआ है। और जो एक और माइनस पॉइंट है कि दोनों ही मोबाइल में किसी में भी स्क्रीन का प्रोटेक्शन बहुत ही सुपर फाइन नहीं दिया हुआ है, सुपर नहीं दिया है, दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 यूज़ हुआ है, जो कि आपको अपने स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके लिए आपको बैक कवर केस और टेम्पर्ड लगाना पड़ेगा। अच्छा रही बात, अब दोनों ही मोबाइल में सारी चीज़ें सेम है तो फिर अंतर क्या है, आप ये सोच रहे होंगे सारी चीज़ें सेम है अंतर क्या है, कैमरे की पोजिशन सेम है, सब कुछ चीज़ें सेम है, तो इसमें फ़र्क ये है सिर्फ कि इसमें जो इसका कैमरा है 5S का,
वो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ा दी गई है। इसमें आपको मिल रहा है फाइव में, रियलमी फाइव में जो कैमरा है इसका, जो जो रियर मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल इसका जो सेकंड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो सपोर्ट करता है। तीसरा जो कैमरा है इसका वो 2 मेगापिक्सल का है जो मैक्रो लेंस सपोर्ट करता है। और ये चौथा इसका है ये 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर, जो डेप्थ को यूज़ करता है, डेप्थ सेंसर। फ्रेंड्स, रियलमी 5S में जो दोनों में जो अंतर है, रियलमी 5 और रियलमी 5S में, ये जो कैमरा है, कैमरे की परफॉर्मेंस आपको रियलमी 5S में ज़्यादा बेटर मिलेगी, क्योंकि इसमें जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है। इसके बाद जो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल प्रोवाइड कराता है, इसमें आपको वो सारी चीज़ें सेम मिलेंगी जो 5 में हैं। सिर्फ मेन कैमरे का फ़र्क दिया हुआ है, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 5 में 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है रियर। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, जो कि जैसे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है, डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा, और फोर्थ वन जो है वो आपका डेप्थ सेंसर के लिए है 2 मेगापिक्सल। तो दोस्तों, जो आपको मैं बताना चाह रहा था, दोनों ही मोबाइल में जो सारे तो कॉमन फीचर हैं, सारे कॉमन फीचर हैं, आप इसमें बैटरी, इसकी साइज़, इसकी वेट, इसमें प्रोसेसर चिपसेट, ग्राफिक का चिपसेट, सारी चीज़ें कॉमन हैं। सिर्फ जो फ़र्क है वो कैमरे का है। कैमरा इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का एक बेस्ट कैमरा मिलता है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। दोनों की रेंज ही, दोनों के अमाउंट, दोनों के प्राइस सेम है, 10,999, दोनों के प्राइस सेम है। तो क्यों ना आप जो है रियलमी 5S की तरफ जाएं, ना कि रियलमी 5 की को। तो आपसे यही आशा करता हूं कि अगर आपको रियलमी 5 चूज़ करना होगा रियलमी में 5 और 5S में, तो प्लीज़ गो फॉर 5S। और इसमें इसकी जो वीडियोस हैं वो हम आपको दोनों की वीडियोस, 5 की, रियलमी 5 और रियलमी 5S की दोनों की वीडियोस इसमें हम आपको जो है बना के इसी ही अपने इस जो वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, कि दोनों की वीडियोस जो हमने जो शूट की हैं, दोनों की वीडियोस में आप देखिएगा कि दोनों में आपको कौन सी वीडियोस इन मोबाइल से जो शूट की हुई है, किसकी परफॉर्मेंस आपको बेस्ट लग रही है। ऑब्वियसली आपको रेडमी 5S की ज़्यादा बेटर लगेगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये अनबॉक्सिंग रियलमी 5 और रियलमी 5S दोनों की अनबॉक्सिंग और दोनों का ही कंपैरिजन, और आपके लिए बताना ये मकसद था कि ये आप दोनों में से कौन सा चूज़ करें, ये इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य था। कि बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि रियलमी 5 और रियलमी 5S में क्या फ़र्क है, 2 महीने बाद रियलमी 5S लॉन्च हुआ है। तो सिर्फ फ़र्क है, जो जो भी कैमरे के लवर्स हैं, जिनको शूट करना है, अच्छी पिक्चर शूट करनी है, तो प्लीज़ गो फॉर रियलमी 5S फ्रेंड्स। तो हमारा आपको अनबॉक्सिंग कैसा लगा, स्पेसिफिकेशन कैसी लगी इन दोनों मोबाइल्स की, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग।